सो गाइस शब्बा खैर के नोहाल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ औरंगटन टीवी जिसका नाम है कन्फ्यूजन कुकिंग। एंड इस वीडियो में हमारे तीन कंटेंट क्रिएटर्स, एक ब्लाइंडफोल्ड होगा, एक बोल नहीं पाएगा और एक सुन नहीं पाएगा, ये तीनों कैसे कोऑर्डिनेट करके एक 3 कोर्स मील बनाएंगे जो कि इन्हें प्रेजेंट करना एंड खिलाना भी है। एंड ये 3 कोर्स मील इजी भी नहीं होने वाली है बिकॉज इन्हें एपेटाइजर, मेन कोर्स एंड एक स्वीट डिश बनानी है। सो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं एंड लेट्स डाइव इनटू इट। तो इतना क्रिएटर्स हम कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं हमारे क्रिएटर्स कौन है। सो लेट्स मीट इशिका। हाय। एक्साइटेड है तू? बहुत ज्यादा। मतलब जितनी तो रियल लाइफ तीखी है, हाँ। क्या खाने में भी वो तीखापन आता है तेरे? खाने में तो मिर्ची डाल दूंगी। बिना देखे कभी खाना बनाया है? बिना देखे तो काफी चीजें हो जाती हैं। So let's meet our second contestant मुक्ति। एंड मुक्ति को देख के लगता है कि इसने पानी भी गर्म नहीं किया होगा आज तक किचन में। मैंने कुछ नहीं किया, सीरियसली बता रही हूं, मैंने टमाटर तक नहीं काटा, मेरे को कुछ भी नहीं पता है, मैं इसलिए बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। बट इन दोनों के साथ कभी तूने कुछ खाना बनाया ऐसा? हाँ मैंने एक बार बनाया, क्या बनाया था हमने? पैनकेक्स बनाया था। हाँ पैनकेक्स बनाया था, मेरा वाला जल गया था। यस जल गया था। हमें देखना नहीं है वो पैनकेक्स कैसे दिखते थे। लेट्स मूव टू आवर थर्ड कंटेस्टेंट मक्वीन। हाय गाइस, व्हाट्स अप। तो देखो क्या आता है तन्ना। मुझे मैगी बहुत अच्छी बनानी आती है। हाँ। वाओ, क्योस तो बहुत होने वाला अभी से देख के लग रहा है। एक को टमाटर काटना नहीं आता है, एक कह रही है मैं तीखा डाल दूंगी, और एक का बेस्ट डिश ही है मैगी। बट बिफोर वी मूव टू द वीडियो, सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे एंड ये इन्हें यूज करना है। सो मक्वीन से पूछते हैं क्या यूज करने वाले हो। यहाँ पे हेडफोन है, एक स्लीपिंग मास्क है एंड आपको एक मास्क मुंह पे लगाना है ताकि आप बोल ना पाओ। कौन सा ऑब्जेक्ट आप लेने वाले हो? मैं चूज करने वाली हूँ हेडफोन। मुक्ति, सो व्हाट आर यू चूजिंग? आई विल चूज ब्लाइंडफोल्ड। तो इशिका, तेरे पे एक ही ऑप्शन बचा है, क्या तो मतलब कैसे कंट्रोल करेगी? क्योंकि बोलने से भी कोई जब नहीं सुनेगा तो इससे अच्छा अपना मुंह बंद रखो। क्योंकि करना मुझे अपना ही काम है। मेरे को इसके रिएक्शन देखने हैं बस, कि सब सामने वाला समझ नहीं पा रहा ना क्या बोलना चाह रही है, तो क्या ऐसे आंख वो मेरा टास्क है कि मुझे कैसे अपना मुंह बंद रखना है। मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर So we have finally made it guys. अभी 3 कोर्स मील बनाने के लिए बहुत टाइम मिलता है लोगों को, अभी पूरा दिन भी मिलता है। But you guys have 30 minutes. क्या? What? No! तो तुम्हें कैसे भी डिवाइड करना है, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट करके, या 5 मिनट में स्वीट डिश बना लो, जो भी कर लो। But appetizer बनाना है एवोकाडो ऑन टोस्ट। सेकेंडली तुम्हें बनाना होगा वाटरमेलन फेटा सैलेड, ठीक है? ये फेटा चीज है, तुम्हारे पास वाटरमेलन है, तुम्हें सैलेड बनाना है। मेन कोर्स में तुम्हें बनाना होगा हनी गार्लिक चिकन। ये सब हो सकता है। पोटैटो तो खाए, चिकन कौन से बनाए? 30 मिनट्स में बनाना है। रेसिपी इशिका के पास है, तुम लोग कोऑर्डिनेट कर लेना। डेजर्ट में तुम्हें केक एंड नमक भी बनाना है। 30 मिनट में सब करना है तुम्हें। 2 4 5 डिशेस बनाने हैं। 30 मिनट में 5 मैगी बनती है, यहाँ पे इतना कुछ बनाना है। भाई मेरी मैगी को 2 घंटे लगते हैं। कुछ भी। And your time starts now. पहले एवोकाडो ऑन टोस्ट बनाएंगे। ठीक है। हाँ तो ब्रेड। अरे भाई क्या कर रही है? अरे कहना क्या चाहते हो? बोलने के लिए एवोकाडो ये ये बम ब्रेड जी, ये है ब्रेड, ठीक है? बस बस ये लो ये लो। पड़ने वाली। आराम से आ, ये केक रेडी, बस रख दो। नाइस, हो गया। आ, ये अब क्या? इसी का अब क्या? Guys, here we are, हमारे Confusion Cooking के फाइनल स्टेज पे, एंड हमारे दो जजेस रेडी हैं। We have Hez and we have Kushal। पहले हम करेंगे जज प्रेजेंटेशन पे। 10 में से कितना रेट करोगे? 7। ओके। एंड आप? टोस्ट और सब, मतलब थोड़ा यू नो बेटर हो सकता था प्रेजेंटेशन। आपके सामने मेरे को मास्टर शेफ वाली आ रही है भाई। थोड़ा क्रीम अगर और हो जाता तो देखने में मजा सा आ जाता। ओके, ओवरऑल आई थिंक 6 out of 10। एंड अब एक दूसरे के सामने जो है उसको रेट करना। आप इसको क्या रेट करोगे? ये तो हो गया 6। भाई मैं इसको तो 3 दूंगा, 3। एंड आप इसको? आई थिंक 8 out of 10। 6 से 8 पे गए। क्या बात है, क्या बात। तुमने कितना दिया था इसको? 3। जली हुई है भाई ब्रेड। अब आते हैं टेस्ट पे। मेरी भाई तुम खा के बताओ, टेस्ट सच बताएगा। एक तो पहली बार डिस्क्लेमर ये कि अगर आलू पैटीज खाने वाले लड़के को तुम अगर एवोकाडो और टोस्ट खिला दोगे तो ऑब्वियसली बात है भाई, ऐसा ही लगेगा। बड़ा अजीब सा यार, कुछ अलग लग रहा है। ठीक है, खाने में सही लग रहा है, देखने में तो एकदम भाई हेल्दी है। हाँ, मे बी एवोकाडो को और थोड़ा यू नो स्मूथ बनाते, थोड़ा बेटर हो सकता, बट ओके, नॉट बैड। कितना इसको फिर भी आउट ऑफ 5? I'm gonna go with 2। So 4 and 2। एंड तू ही सबसे बड़ा ही कर रहा है भाई। मेरे को तो पुदीने की चटनी अच्छी लगी यार इसमें। So अब जाते हैं हम सैलेड पे। It's not that great जितना प्रेजेंटेशन है टेस्ट वाइज। ठीक है तो सलाद इस पे क्या ही ज्यादा हो सकता है, तो हेल्दी है तो अच्छा ही है। ठीक है, आउट ऑफ 5 सलाद वाइज 3। ठीक है, लो भाई खिलाओ। ये तो टट्टी है। भाई एकदम भाई याद है यार ये। तो सेकंड डिश आप लोगों के सामने आ चुका है, इसमें हमने एक स्पेशल चीज की है इन लोगों ने। क्या लग रहा है प्रेजेंटेशन वाइज? प्रेजेंटेशन वाइज आई थिंक दे हैव पुट एन एफर्ट, दैट्स फॉर श्योर। मे बी 7 out of 10। 7। चलो आए ऊपर आए हम। अब टेस्ट करते हैं दोनों। डालो मोबाइल। Could have been better, मे बी और थोड़ा इसको स्पाइसेस के साथ टॉपिंग करते तो अच्छा रहता। या आई थिंक ओवरऑल आउट ऑफ 5 I'll go for 3.5। 3.5 ठीक है, 2.5 ठीक है। हाँ रुचि, एक बार तू भी टेस्ट कर ले भाई चिंगम का। मैंने खाया था उस टाइम, खाया था एक बार, फिर खा के देखी, शायद ठंडा हो गया। तो जितना इन्होंने बनाया है बहुत सही बनाया है, मेरे हिसाब से तो 5 है। मैंने देखा है इन लोगों को बनाते हुए, इसने मेहनत देखी है इसके पीछे। एंड मूविंग ऑन टू आवर लास्ट डिश, जिसका सब वेट करते हैं। डेजर्ट पे जाते हैं, स्वीट डिश पे जाते हैं। सो शेफ्स, आपको कैसा लग रहा है? ओके प्रेजेंटेशन वाइज इट्स गुड। वोल्केनो है एंड लावा ऐसे बाहर आया है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे कुछ है, वही था स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था। वो चीज आउट ऑफ 5 कितना? भाई मैं इसको 5/5 दूंगा, क्योंकि इसकी जो शेप है ना, दो प्यारे प्यारे जो स्ट्रॉबेरीज हैं, रेटिंग क्या है? 5/5 भाई बोला था। हाँ आई थिंक 4 ठीक है, मतलब ये बेस्ट था अब तक का। हाँ ठीक है, टेस्ट पे आता है फाइनली। आई थिंक इट्स गुड, अच्छा है ना? मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था लोग इतना साफ करके करेंगे, बट मैंने अच्छा है। आई थिंक ओवरऑल एज अ कॉम्बिनेशन अच्छा है, बिकॉज सिर्फ स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट खाने में मतलब वो ज़्यादा टेस्ट नहीं आता, बट केक के साथ इफ़ यू हैव लाइक अ होल बाइट टुगेदर इट्स अ गुड डिश। तो शेफ हेट्स बेजेरियन ने गुड डिश बोल दिया है। हम अब बढ़ते हैं कुशल कपूर पे, आइए। मतलब अच्छा बना है भाई, सारी डिशें में सबसे अच्छा ये था, ये खा सकता हूँ मैं पूरा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड ये हमारी पहली वीडियो थी कन्फ्यूजन कुकिंग की। होप आगे भी हम ऐसा लाएंगे। एंड हमने एक वीडियो सोची है कि अगर हेड्स मैं कुशल कुछ बनाए और ये 3 लड़कियाँ जज करें, बिकॉज इनको पता है कैसा होता है, क्या प्रोसेस लगता है, तो कैसा होगा। एंड इसमें जो ट्विस्ट है हो सकता है उसमें ना हो, उसमें और ज़्यादा हम ट्विस्ट एंड टर्न्स ला सकते हैं। सो उस वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस वीडियो पे? गाइस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो जैसा इसने बोला लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो पैक अप। One hour later. यार स्ट्रॉबेरीज का सीड भी निकल सकते हैं यार, मतलब थोड़ा और स्मूथ दिखता स्ट्रॉबेरी। 2 hours later. एंड यार नेक्स्ट टाइम ना ये कप के अंदर आइस क्यूब्स तो डालो यार, मतलब देखो पूरा मेल्ट हो गया है, मजा नहीं आ रहा है यार।